हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। ये प्रश्न आरबीएससी के 2022 के मेन पेपर में आया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्नों की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। प्रश्न है हमारा, यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। पासे को कितनी बार उछालना है? 3 बार। प्रत्येक बार पासे पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे को 3 बार उछाल रहे हैं और प्रत्येक बार विषम संख्या हमको चाहिए, तो हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे जैसे 10th में करते थे कि पासे को 3 बार उछाल रहे हैं तो 216 परिणाम होंगे, वो सारे लिखेंगे, फिर उसमें से हम छाँटेंगे कि तीनों पर विषम संख्या कहाँ पे आ रही है, तो बहुत लेंदी हो जाएगी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, चलो देखते हैं। तो एक पासे को 3 बार उछाल रहे हैं, तो पहले मैं बोल देता हूँ, चलो मान लेते हैं, मैं बोल देता हूँ ए, ए कोई घटना है, उसमें बोल रहे हैं प्रथम पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना, प्रथम पासे पर विषम। बी कोई दूसरी घटना है, उसको मैं बोल रहा हूं कि द्वितीय पासे पर विषम संख्या, ठीक है, और सी कोई तीसरी घटना है जिसको मैं बोल रहा हूं तृतीय पासे पर विषम घटना, तृतीय पासे पर विषम संख्या, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इन तीनों का कॉमन निकालना है, ठीक है। प्रायिकता का गुणन नियम लगा देंगे भाई, प्रायिकता लिखेंगे पहले ए की, फिर प्रायिकता लिखेंगे बी की, लेकिन कब, जब ए घटना हो चुकी होगी, और फिर मतलब सहप्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन है ये, ए बी। तो बस एक ही प्रायिकता, मतलब प्रथम पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 3/6, यानी कि 1/2। भाई 3 ही तो विषम संख्या होती है, एक पासे की बात करेंगे तो 3 विषम संख्या होती है, टोटल 6 होती है, 1 3 5, 3 ही तो होती है ना, तो 3/6 कितना आएगा, 1/2। दूसरे पासे पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता भी वही रहेगी और तीसरे पासे पर भी विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी सेम, अपना आंसर आ जाएगा 1/8। चाहो तो आप 216 परिणाम लिखकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है भाई। पहले पासे पर विषम संख्या की प्रायिकता लिखो, गुणा में दूसरे पासे पर विषम संख्या की प्रायिकता, गुणा में तीसरे पासे पर विषम संख्या की प्रायिकता, तीनों को गुणा कर दो, अपना आंसर आ गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।